ऐसा नहीं है। हालेलुया, जोरदार ताली बजाकर हालेलुया हम हमारे प्रियजनों को स्वागत करते हैं। हालेलुया, कुछ दिनों के बाद हमारे कुछ प्रिय लोग हमारे मध्य में हैं। अगर थोड़े दिन के बाद, महीनों के बाद नहीं तो एक दो साल के बाद आप वापस अपनी मातृ कलीसिया में आया तो आप भी एक बार हाथ उठा सकते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं। हालेलुया, हाँ, जॉनसन एंगल और हरिया जोशुआ हमारे मध्य में हैं। हालेलुया, पिछले दिनों में प्रभु ने अद्भुत तरीके से प्रिय जोशुआ का शादी सब होने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। हालिया लाइसा मांडी हमारे मध्य में हैं। सारे प्रिय जनों को हम स्वागत करते हैं और पास्टर साहब भी हमारे मध्य में हैं। सब प्रिय जनों को हम स्वागत करते हैं। प्रभु हमारे मध्य में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। कुछ दिन के बाद जॉय और विल हमारे मध्य में हैं, आपको भी हम वापस स्वागत करते हैं। हालेलुया, आगे कैसे हम वचन सुनने जा रहे हैं, वचन से हमको सिखाने के लिए प्रभु दास डॉक्टर पॉल मैथ्यू साहब आ गएंगे। हरी तालियों के साथ प्रभु दास को स्वागत करते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इफ वन ऑफ द ब्रदर्स कैन हेल्प मी, सारी महिमा हम प्रभु को देना चाहते हैं। कितने लोग जीवित हैं वे लोग ताली बजाकर जोरदार प्रभु को बढ़िया धन्यवाद दीजिए। बढ़िया, और बोलिए हालेलुया, बोलिए जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। मिलकर प्रभु के कलाम से एक बार और पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम से मिलकर अपन प्रभु के वचन से पढ़ने जा रहे हैं। पहला अध्याय और उसकी एक से लगाकर 11 आयत तक मिलकर अपन यहां से पढ़ेंगे। We are going to read from the book of Acts, chapter 1, verses 1 to 11 this morning. और हम प्रयास करेंगे कि हर सभाओं में, जैसे बोला, हर सभाओं में चाहे छोटी हो या बड़ी, प्रभु के वचन को खुलकर सबके साथ मिलकर पढ़े ताकि हमारे अंदर यह आदत हो और साथ ही साथ प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम करने पाए। And as we said earlier that in all our gatherings it will be good if we can read the word of God together loudly and when we speak the word of God it will be a blessing for us and it will bless our families and our personal lives. आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबलों को खोलेंगे, जिनके पास नहीं है किसी कारणवश वे ही स्क्रीन की ओर देखिए, नहीं तो आपकी बाइबल का लाभ आप उठाइए। If you have your Bible with you, you can look into your Bibles. If you don't have your Bible, then you can look onto the screen and read along with us. तैयार हैं तो बोलिए तैयार हैं। Okay, मिलकर एक से लगाकर 11 एक साथ अपन पढ़ने चाह रहे हैं, एक दो और तीन, चलिए। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। तीसरी आयत, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। छह, चलिए, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, पढ़िए पढ़िए, हे प्रभु क्या तू इसी समय इसराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की जाती देखा है उस रीति से वह फिर आएगा। सबने मिलकर जोर से आमीन बोला। हमारा सुसमाचार ही यही है कि यीशु मसीह मेरे लिए पृथ्वी पर आया, मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया, मेरे खातिर उसे गाड़ा गया,
मेरे खातिर वो जी उठा और मेरे खातिर वो पिता की दानी और गया और मुझे लेने के लिए बहुत जल्दी वापस आ रहा है. And so this is the gospel that we believe and we preach, that Jesus Christ came into this world. He died on the cross for my sake. He was buried in that grave for my sake. He was raised up on the third day for my sake. And now he's seated at the right hand of the Father for my sake. And he's going to come back again soon for my sake. Yehi hamara susamachar hai. This is the gospel that we believe. Yehi khushkhabri hai. This is the good news. Mere saath bole yehi khushkhabri hai. This is the good news. जोर से बोलिए यही खुशखबरी है. This is the good news. क्या है खुशखबरी? What is the good news? यीशु आया, यीशु मारा गया, यीशु गाड़ा गया, यीशु जीवित हो गया, यीशु पिता की दाहिनी ओर गया और यीशु मुझे जल्दी लेने आ रहा है. The good news is that Jesus came into this world. He died on the cross for me. He was buried in that grave. He was raised up on the third day. He is sitting on the right hand of the Father and he is going to come back soon to take me along with him. यही खुशखबरी है जो मुझे और आपको आज सुबह आनंदित कर देती है. This is the good news that blesses us and helps us to rejoice this morning. आपका यीशु क्रॉस पर लटक नहीं रहा, आपका यीशु दफन की हुई अवस्था में नहीं है, आपका यीशु किसी कोने पर छिपा नहीं है. वो जी उठने के बाद 40 दिन तक पुरुषों के मध्य दिखाई दिया और वो जीवित है, इसलिए आपकी प्रार्थनाएं आज सुनकर आपको जवाब दे रहा है. एंड सो आवर जीसस, द गुड न्यूज is that Jesus is no longer on that cross. He is not in the grave, but he was raised up from the dead. He walked on this earth among people for 40 days and now he is alive for us and he is going to come back soon. This is the good news that we have. Mera Yeshu zinda hai, mera Yeshu zinda hai, isliye wo meri sun raha hai. Samajhne wale atma mein taali bajakar prabhu ko zordar aaj subah dhanyawad dijiye. My Jesus is alive. Come on, bajaiye, bajaiye. And he listens to my prayers and all that I have to say, and that's why I want to praise God this morning. कभी कभी हम हमारे यीशु को न जाने किन किन कटघरों में रख देते हैं, लेकिन खुशखबरी यह है यीशु जिंदा है और वो मुझे लेने आ रहा है और इसलिए आज मैं उसकी इबादत यहां पर कर रहा हूं. Many times we put Jesus in many small boxes, but this morning let us remember that our Jesus is alive and he is going to come back soon to take us with him, and that's why we worship him this morning. कई महापुरुष आए, हम उनको नमन करते हैं, कई अच्छी शिक्षाएं देकर वे चले गए, हम उनको नमन करते हैं, उनकी याद हमें भी आती है, लेकिन सच्चाई यह है यह महापुरुष ही नहीं, यह परमेश्वर का मेमना, यह पिता से भेजा हुआ इकलौता पुत्र मेरे लिए पृथ्वी पर आया, लेकिन अभी वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, वो जीवित है और वो मेरे आराधना और स्तुति के योग्य है. And that is the difference. There were many great men and women in the past. They came and we remember them, we respect them, we remember the teachings, but Jesus who came into this world, he is not just a great man, but he is the Son of God, and he is not dead, but he is alive for us this morning, and that's why we praise and worship him. कितने लोगों ने आज यीशु मसीह की आराधना करी? How many of you worship Jesus this morning? आपने मरे हुए यीशु की आराधना तो नहीं करी, फोटे वाले यीशु की आराधना नहीं करी. वो यीशु जीवित है, जिंदा है और उसने आपकी आराधना को स्वीकार कर लिया. We did not worship a Jesus who is dead or who is just in a photograph, but we worshiped a Jesus who is alive and who is in our midst this morning. मैं चाहता हूं आप अपने आप को आज सुबह बराबर याद दिलाइए. This morning I want you to remind yourself. आप जानते हैं सत्य को भी मॉनिटर बढ़ाइए, उसको चेंज मत करिए. आप जानते हैं तो भी आज सुबह अपने आप को याद दिलाइए, मेरा यीशु जीवित है, मेरा यीशु जिंदा है. Even if you know this truth, keep reminding yourself this morning that my Jesus is alive and he is there for me. अपने हाथों को उठाकर एक साथ बोलिए, मेरा यीशु जीवित है. बोलिए. Let us raise our hands and say, my Jesus is alive. अब अपने आप को बोलिए, मेरा यीशु जीवित है. बोलिए. To yourself, my दो Jesus तीन is बार alive. अपने आप को याद दिलाए, मेरा यीशु जीवित है. बोलिए, बोलिए, मेरा यीशु जीवित है. My Jesus is alive. आपके पड़ोसी को भी एक बार हाथ बढ़ाकर सलाम कहते हुए बोलिए, मेरा यीशु जीवित है. Say to the person sitting next to you, give a hand to him or her, say,
my Jesus is alive. Muskurate hue bol rahe hain, blessing sir, mera Yeshu jeevit hai. Say with a smile, my Jesus is alive. Hallelujah. Hallelujah. Ye sachai baar baar saal bhar aapko apne aap ko yaad dilate rehna hai. We will have to remind this truth to ourselves throughout this year that Jesus is alive. Kyunki agar Yeshu jeevit hai to hi wo aapse baat karega, aur agar aapse wo baat karega to hi aap uski awaaz ko sunenge, aur agar uski awaaz ko sunenge to uske dwara aap chalaye chalenge. Agar aap janenge ki Yeshu jeevit hai to uski awaaz ke liye aap thehre rahenge, uski aagyaon ko manenge aur uske dwara chalaye chalenge. Because Jesus is alive, he speaks to us, and because he speaks to us we listen to his word. Yes. And only if we listen to his word, only then we will be able to live our lives according to that. And so this morning we need to understand that Jesus is alive, and only then our ears will be attuned to what he has to say. Isliye is varsh mein parmeshwar ke vachan ko seekhte samay apne aap ko bar bar yaad dilana, mera Yeshu jeevit hai aur wo mujhse aaj subah baat kar raha hai. And so throughout this year when you listen to the word of God, keep reminding yourself that my Jesus is alive and he is speaking to me. Aur ye jeevit Yeshu ke karya preriton ke kaam ke andar bar bar humko dekhne ko milenge. And we read about the risen Jesus's works throughout the book of Acts as we read now. Luke rachisu samachar mein usne sharir mein hokar in karyon ko kiya aur sikhaya. In the gospels we read that Jesus did all of this, many things, many wonderful things when he was in this world, in his body, in the flesh. Lekin preriton ke kaam mein ab wo sharir mein nahi apni deh mein hokar in kaamon ko mere aur aapke dwara karwana chahta hai. But in the book of Acts we read that he is not physically on this earth, but he is doing all these mighty works through his body, that is the church. Aap soch kar dekhiye, soch kar apne aap ko jaga kar dekhiye, mujhe Yeshu ne jo jo karya kiye usse na keval dekhne ka लेकिन करने का सौभाग्य परमेश्वर मुझे दे रहा है, यह बहुत बड़ा सौभाग्य है. Just imagine how wonderful it is that we do not just have the privilege to see or read about the wonderful yes. things that Jesus has done, yes. but we have an opportunity to participate in it and to do it on his behalf in this world. कितने लोग यह सच्चाई को समझ रहे हैं कि मैं केवल यीशु से सुनने के लिए ही नहीं, लेकिन यीशु से सुनकर सीखकर उसके कार्यों को करने इस वर्ष में जा रहा हूं, जा रही हूं. How many of you understand this morning that I'm not just going to listen to the word of yeah. God coming from Jesus, I'm not just going to read about them, but I'm going to read and listen and understand and live out those things and do those things in this earth. कल किसी ने मुझे बोला, somebody told me yesterday, I'm no longer going to sit down and just listen, I want to do something with what I listen. I said that's the very reason we exist as a church. Aur kal kisi ne mujhse aakar is prakar kaha ki ab main sirf sunna ya padhna nahi chahta, lekin main in baaton ko jo seekh raha hu unhe main karna chahta hu. Aur maine kaha dhanyawad ho parmeshwar ka, kyunki hum inhi baaton ke liye sansar mein rakhe gaye. Hallelujah, boliye zor se. Hallelujah. यीशु अपने कार्यों को अब आपके द्वारा करना चाहता है. Jesus wants to do his work through you now. सारे छोटे बच्चे एक मिनट इधर देखिए, आपके लिए छोटा सुसमाचार या छोटा पवित्र आत्मा नहीं, आपके लिए अब यीशु की यह आज्ञा है कि जो कुछ यीशु ने किया आप भी इन दिनों में करने जा रहे हो. To the children, I want to tell you, just because you're small, it's not a small gospel or a lesser Holy Spirit. Yeah. But I want to remind you that Jesus wants to do great things through you. जो टीवी में आप देखते हैं या जो आपके अंकल आंटियों में सामर्थ आप देखते हैं, वो ही सामर्थ आपके अंदर भी प्रवाहित होकर आपको प्रभु के लिए बड़े कार्यों को करवाने के लिए तैयार है. All the things that you see on TV and you see in your elders, it's not going to remain there. But the power of Holy Spirit will flow through you and make you do great things. So the first truth we base ourselves on is the resurrected power of Jesus. जो पहली सच्चाई जिस पर हम अपने आप को आधारित करते हैं वो ये है कि यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे पास है. There is a second reality and that is the reality of the power of the Holy Spirit. और एक और वास्तविकता लेकिन हमारे सामने है और वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ. Jesus is alive and he has promised us that he will send us the promise of the Father. और यीशु मसीह जीवित है और उसने ये वायदा हमसे किया है कि जो पिता का वायदा है वो हमारे पास भेजेगा. I want our attention to be turned to verse 4 this morning, verse 4. और मैं चाहता हूं कि आज चौथी आयत की ओर हम हमारे ध्यान को लगाएं. कौन सा चैप्टर पढ़ा था अपन ने? Which chapter did we read? कौन सा चैप्टर पढ़ा था? Which chapter?
याद नहीं आ रहा है ओके प्रेरित के काम पहले अध्याय चार आयत में लिखा है और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की जोर से बोलिए पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके In one verse 4 he says on one occasion while he was eating with them he gave them this command do not leave Jerusalem but wait for the gift my father promised which you have heard me speak about This is connected to Luke 24:49 where Jesus promised them and told them wait for the promise of my father which is the blessed holy spirit aur ye Luke 24 uske 49ve adhyay mein jo Yeshu Masih ne ayat mein Yeshu Masih ne kaha usse juda hua hai Yeshu Masih ne wa apne chelo se kaha कि मेरे पिता के प्रतिज्ञा की इच्छा रखो उसकी बाट जो जो पवित्र आत्मा तुम्हें मिलने वाला है वेट फॉर द प्रॉमिस्ड होली स्पिरिट बिफोर यू गो आउट टू डू एनीथिंग और यीशु मसीह उनसे कहता है वो प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की बाट जो तुम बाहर निकलो उससे कार्य करो उससे पहले पवित्र आत्मा की बाट तुम जो। कहीं भी जाओ शिष्यों मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूं मैं आत्मा को भेजूंगा लेकिन तुम कहीं भी जाओ उससे पहले ठहरे रहो जब तक कि तुम पर ये सामर्थ्य ये पवित्र आत्मा आ ना जाए एंड जीसस टेल्स हिम दैट आई एम सेंडिंग यू टू डू ग्रेट थिंग्स बट बिफोर यू गो एनीवेयर बिफोर यू डू एनीथिंग वेट that the holy power of the holy spirit will come upon you and then you will do great things tehre raho baat johte raho जब तक कि पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए वेट अंटिल यू रिसीव द पावर ऑफ द होली स्पिरिट आज की दुनिया के अंदर वेट करना सबसे महंगी चीज है सबसे जल्दी गुस्सा दिलाता है एंड इन दिस डेज वेटिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट समथिंग टू किसी को वेट करने बोलो तो उनको गुस्सा आ जाता है अगर आपने किसी को लेट करवा दिया तो आपको गुस्सा आ जाता है विशेष करके मेरे को उदाहरण के लिए या फिर कैसे भी हो हम वेट करना नहीं चाहते हम क्यों वेट करें जल्दी करो खाना मांगे तो भी जल्दी जो भी करें जल्दी वेट क्यों करें वेट एक नकारात्मक दृष्टिकोण से आज की दुनिया में देखा जाता है people are not happy when we ask them to wait or when they become late they are not happy when they see those things and in these days the idea of waiting has a negative meaning nobody wants to wait these days नौकरी चाहिए नहीं हम वेटिंग में नहीं करें हमको जल्दी चाहिए if you want a job no I'm not ready to wait I want a job immediately शादी करना नहीं हम जल्दी करेंगे oh I don't want to wait to get married I want to get married immediately हर चीज के लिए हमें जल्दबाजी है Everything has to happen immediately. लेकिन बाइबल के अंदर वेट करना एक नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है इंतजार करना बाट जोहना और रुके रहना ठहरे रहना ये सकारात्मक दृष्टिकोण से लिखा गया है बट इन द बाइबल द एटीट्यूड ऑफ वेटिंग वेटिंग अपॉन द लॉर्ड टू वेट फॉर द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड इट इज नॉट अ नेगेटिव एटीट्यूड बट अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन अ पर्सन एंड दिस मॉर्निंग वी वांट टू यर्न वी वांट टू लॉन्ग एंड वी वांट टू लर्न टू वेट On God and to wait for God. और आज सुबह हम परमेश्वर की चाह रखते हैं परमेश्वर की इच्छा रखते हैं लेकिन साथ ही साथ हम परमेश्वर की बाट जोते हैं हम परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं ये वेट करना नुकसान नहीं है परमेश्वर के राज्य के अंदर परमेश्वर की इकोनॉमी के अंदर ये घटता कार्यक्रम नहीं है ये बढ़ता कार्यक्रम है इंतजार करना This program or this time that you spend waiting is not a time that you lose in the economy of God. It's something that increases your measure in the waiting life of God. Waiting on God draws you closer into His presence. जब आप परमेश्वर की बात जोते हैं, परमेश्वर के और करीब आप आ जाते हैं. Waiting on God allows you to understand the heartbeat of the Father who is calling you. जब परमेश्वर की बात आप जोते हैं, तो मानो परमेश्वर पिता के दिल की धड़कन को आप समझ जाते हैं वही पिता जिसने आपको बुलाया है वेटिंग ऑन गॉड मेक्स यू टू रेसल विथ योर ओन फ्लैश मेक्स यू टू रेसल विथ योर ओन अंडरस्टैंडिंग्स एंड विथ योर ओन मैकेनिज्म्स और जब आप परमेश्वर की बात जोते हैं तो आपके जितने हथकंडे हैं आपके मन में जितने विचार हैं या आपकी स्वयं की जो योजनाएं हैं उनसे आप मानो लड़ रहे हैं और उन्हें दबा रहे हैं और परमेश्वर को प्राथमिकता दे रहे हैं कितने लोग सुन रहे हैं आज सुबह हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस मॉर्निंग
इंतजार करना बाट जो है ना, एक चार वापस दिखाई स्क्रीन पर, बाट जो है ना नकारात्मक नहीं, बाइबल के दृष्टिकोण से बहुत ही सकारात्मक और जरूरी कार्यक्रम है। फ्रॉम अ बिब्लिकल पर्सपेक्टिव वेटिंग इज नॉट नेगेटिव बट इट इज अ पॉजिटिव एंड मच नीडेड थिंग इन अ पर्सन्स लाइफ। स्क्रीन पर दिखा के रखिए, एंड नाउ लेट मी सबमिट टू यू, जीसस इज नाउ आस्किंग हिज डिसिपल्स टू वेट नॉट फॉर 1.5 hours or 2.5 hours or 2 hours on Sunday morning. I waited for 2 hours, nothing happened, so I walked out. No, he does not even give a timeline saying how long it's going to take. He's just saying, wait until. और यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को चौथी आयत में बोल रहा है कि तुम बाट जो, तुम इंतजार करो, और कोई समय सूची नहीं देता। ये नहीं बोलता कि 1 घंटा 1.5 घंटा, हम जैसे संडे को बोलते हम 2 घंटा गए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ, उतना काफी नहीं। यीशु मसीह उतना ही नहीं बोलता, यीशु मसीह बोलता है इंतजार करो जब तक तुम्हें मिल नहीं जाता। मेरे से आप पूछोगे तो मैं तुरंत पूछूंगा कब तक इंतजार करना, कितनी बार आना है और कितना देना है, क्या करना है, आप बोल दो, बस कर लेंगे हम, बस बोल दो। हमको तो फार्मूला चाहिए। यीशु फार्मूला नहीं चाहता है। यीशु आपका शरीर प्राण आत्मा पूरा पूरा चाहकर बोलता है आओ और इंतजार करो। कब तक, बाद में बताऊंगा, अभी इंतजार करो। If we would have been there in Jesus' place, would have said, how long would I have to wait? Would I have to wait for a very long time? Oh, just give us a shortcut. Just give us a formula to do these things and it will be done. No, that's not what Jesus wants. Jesus wants our whole body, mind and soul. And he says, wait until you receive it. And so for 40 days... He has been in and out from among them. And now as he is ascending to the Father, he is saying, friends, I'm going, but just wait until you receive the power. And please don't go out before you get that power. And this 40 days, Yeshu Masih unke saath tha. Aata jata raha, unse milta raha. 40 din ke baad, wo pita ke paas ja raha hai. Aur jaate jaate unse kehta hai, ki intezaar karo, baajo. Kab tak? जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता। 700,000, 4,000 को खिलाया, 5,000 को खिलाया, और उतना ही नहीं, 500 उसके पीछे चल रहे थे, होते 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 अभी 120 लोग इकट्ठा रह गए हैं बस। And he fed the 4,000, he fed the 5,000, and there were a big crowd following it at many different times. But now after all of that, only there are 120 remaining. हजारों में से 120 रह गए जो तैयार हैं, बोल रहे ठीक है गुरु, आपने बोल दिया इंतजार करने के लिए, हम कर रहे हैं। At one point there were thousands following Jesus, but now there are only a small group of 120 who are ready to wait according to the command of Jesus. भीड़ इंतजार नहीं करना चाहती, लेकिन शागिर्द इंतजार करना चाहते हैं, क्योंकि वे अपने बुलाने वाले की आवाज को सुनना चाहते हैं और पूरा करना चाहते हैं। The crowd doesn't want to wait upon Jesus or wait for Jesus, but the disciples, oh, but the genuine followers, they wait because the one who has called them is faithful. आज सुबह भीड़ को नहीं, इंतजार करने वालों को आज यीशु नाम लेकर अपने करीब बुलाना चाहता है। Jesus is not calling the crowd this morning. He is calling those who want to come to him and those who are ready to wait. और केवल आपको अन्य भाषा का वरदान देकर स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए नहीं, केवल आपको ये पूछने के लिए नहीं कि आपने बपतिस्मा ले लिया क्या या दशमांश दे दिया क्या, ये पूछने के लिए नहीं, बिना समय की सीमा के, बिना समय की सीमा के खुदा की हजूरी में बैठकर उसको देखते रहने के लिए, इंतजार करते रहने के लिए एक झुंड को आज प्रभु आज इस मंडली से बुला रहा है। And this morning God is calling upon a group of people to not just give the gift of tongues or to switch on and switch off the gifts when he sees fit, or to do some things, but rather to wait upon him and to listen to him and to sit in his presence. God is calling such a group this morning. Oh, it's very hard to wait for people. बहुत ही मुश्किल है लोगों का इंतजार करना। आपने 9 बोला था, 9:30 हो गया, अभी तक नहीं आए मेहमान। And they said 9 o'clock, now it's 9:30, but the guests have not arrived. नहीं आ रहे तो पहले बता दो ना, हमको दूसरे काम है क्या, हम फ्री घूम रहे हैं क्या? And if they didn't want to come, they would have informed us earlier. We have many other things to do. ये डायलॉग किसी ने बोला है कभी भी जीवन में? Have you ever said this? अरे बोलो, हाथ उठाओ, इससे आपकी नींद भी उड़ जाएगी। If you have said this, can you raise your hands? ऐसे बैठे रहोगे तो क्या मालूम इधर उधर भटक जाओगे आप लोग, आंखें बंद होने भी लग सकती है। किसी ने बोला हम क्या ठाले बैठे हैं क्या? Have you said ever that am I free that I'm waiting for that person? I have so much to do. बहुत अच्छा डायलॉग है, लेकिन ये प्रभु की बातों के लिए आप बोल नहीं सकते। It's a very good dialogue, but you cannot use it for the things of God. So how do we wait on God and wait for God?
आप किस कैसे परमेश्वर का इंतजार करेंगे और परमेश्वर की बात जोएंगे आज इस देखना चाहते हैं। In the Psalms, beautifully, we find scripture after scripture talking about waiting on God, waiting on God, waiting on God. और जब हम भजन पढ़ते हैं, एक के बाद एक भजन इस बात का बयान करते हैं कि परमेश्वर की बात जो, परमेश्वर का इंतजार करो, परमेश्वर के काम का इंतजार करो। Psalm 27, look with me to some of these Psalms and we'll just enjoy waiting on God this morning. हम मिलकर भजन 27 खोलेंगे और आज इस बात का आनंद उठाएंगे कि सिर्फ कि परमेश्वर की हम बाट जो रहे हैं। 27 के 14 में लिखा है, क्या लिखा है मालूम? यहोवा की बाट जोहता रहे या बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की भलाई की नहीं, इंक्रीमेंट के लिए नहीं, यहोवा ही की बाट जो होता रहे। Psalm 27 verse 14 says, wait for the Lord, be strong and take heart and wait not just for blessings or not just for an increase in your salary, but wait for the Lord, the psalmist says here. 37:7, Psalm 37:7, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण न कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। In Psalm 37 verse 7, the psalmist says, be still before the Lord and wait patiently for him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. पास्टर, मेरा काम कब होगा? Pastor, when will this my work be done? मेरे प्रार्थना का जवाब कितनी बार से आ जाएगा? When will I receive the answer to my prayer? तीन संडे तो आ रहा हूँ, अभी चौथे में हो जाएगा? I'm coming for 3 Sundays. Will the 4th Sunday be the breakthrough Sunday? काम करवाने वालों के लिए ये वचन ही नहीं है, काम करने वालों के लिए आज प्रभु का आत्मा बात कर रहा है। This is not just for those who get things done, but those who want to do things, yeah. God asked them to wait this morning. Wait patiently. That's the first attitude. We wait patiently for God and we wait patiently on God. और पहली बात हमको ये समझना है कि हमको धीरज के साथ परमेश्वर का इंतजार करना है, परमेश्वर के कार्यों की बात जो प्रभु के भवन में आके प्रभु की बातों में उतावली मत करना, दुनिया भर में उतावली करना, लेकिन खुदा की बातों में उतावली ना करना, क्योंकि आप सृष्टि कर्ता परमेश्वर के हुजूरी में पधारे हुए हैं और वो अपने भवन में महिमा से विराजा हुआ है, आप धीरज से उसकी प्रतीक्षा करेंगे। Do not rush the things when you are in the presence of God, when you are in the house of God. You can be in a rush when you are out in the world, when you are doing world the things in the world, but we're in the house of God. You are in the presence of the Most High, Holy God. So wait in the presence of God and for the things of God. Psalm 40 verse 1, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को क्या किया? मेरी दुहाई को उसने सुन लिया। Psalm 40 verse 1 says, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. Hallelujah, बोल सकते हैं आप लोग? Hallelujah. तो पहली दशा, आप जब इंतजार कर रहे हैं, आप जब आपकी प्रतिज्ञाओं के इंतजार कर रहे हैं, और आज सुबह मैं पहले क्लियर कर दूं, ये केवल चमत्कार और छुटकारे की बात नहीं हो रही है, ये प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की बात हो रही है और उसके साथ साथ बाकी चीजें आपको मिल जाएगी। एक और आयत मेरे साथ खुली, होशे की पुस्तक, होशे की पुस्तक खूबसूरत, एक 12 अध्याय और उसकी 6 आयत में लिखा है, इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर, कृपा और न्याय के काम तू करता रहे और अपने परमेश्वर की बाट कभी कभी नहीं निरंतर जोहता रहे। In Hosea 12:6, Hosea 12:6 it says, but you must return to your God, maintain love and justice, and wait for your God always. Oh, how long? I don't know. I don't have the answer. But we are called to wait continually, patiently before God and on God for His timing, for His move, because it is His people, it is His work. और आप पूछोगे कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा, कितने समय तक इंतजार करना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम धीरज के साथ परमेश्वर की बात जो है, परमेश्वर का इंतजार करें, क्योंकि ये उसके लोग हैं, ये उसका कार्य है और वो अपने समय पर अपने कार्य को वो करेगा। So you wait patiently for God. और इसलिए हम परमेश्वर की धीरज से हम बाट जोते हैं। But secondly, biblically, it is important that when you are waiting on God and waiting for God, you wait with an expectation. You wait expectantly that I know, my God will move, my God will do, my God will come through because He has promised me.
तो हम धीरज के साथ बाट जोते हैं, लेकिन यह भी अनिवार्य है कि जब हम परमेश्वर की बाट जो रहे हैं तो एक उम्मीद के साथ हम परमेश्वर की बाट जोए कि परमेश्वर अपने कार्य को करेगा, परमेश्वर अपनी सेवा करेगा, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में उतर कर आएगा। इस उम्मीद के साथ हमें परमेश्वर की बाट जोनी। अगर उम्मीद नहीं है, अगर उम्मीद नहीं है तो आपका विश्वास भी व्यर्थ है, मैं कहना चाहता हूं। If we do not have that expectation, then let me tell you, our faith is in vain. आप सिर्फ सिर्फ कैसे बोलते हैं, you are just going through the motions if you don't have an expectation of the presence of God and of Him moving in you, for you and through you. और अगर हमारे मन में ये उम्मीद नहीं है, हम जब बाट जो रहे हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे साथ मिलकर हमारे द्वारा अपने कार्यों को करेगा, अगर इसकी उम्मीद नहीं है तो बस हम बाहर बाहर से दिखा रहे हैं, ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। मेरे फेलो बिलीवर, सह विश्वासियों, आज सुबह मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु के भवन में पैर रखने से पहले आप अपनी उम्मीद को जगाइए कि मैं प्रभु के भवन में जा रही हूं, मैं किसी भी मीटिंग में जा रही हूं, जा रहा हूं, मैं प्रभु से वहां पर मिलने जा रही हूं, मेरा जवाब मेरा प्रभु देगा और मैं उसकी सुनूंगा और वो मेरे लिए रास्तों को खोलेगा। My fellow believers, let me encourage you that before you step into the house of God, before you step into the community of God, raise your expectations that I am going to meet God and He is going to do great things. Things, and he is going to do great things through me and for me this morning. भजन सहित 38 का 15 देखिए, 38 का 15, फिर भजन में अपन आते हैं। वहां लिखा है, परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है, हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। In Psalm 38 verse 15 it says, Lord, I wait for you. You will answer, Lord, my God. 39 का साथ देखिए, 39:7, अब हे प्रभु मैं किस बात की बाट जो हूं, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है, मनुष्यों पर नहीं, अंकल जी ने बोला था इसलिए नहीं, कागज का टुकड़े में लिख कर दिया था इसलिए नहीं, मेरी आशा तेरी ओर लगी है और मैं ये जानता हूं तू अपने कहे हुए को पूरा भी करना जानता है। In Psalm 39 verse 7 it says, but now Lord, what do I look for? My hope is in you, not in some of the things that other person has said, not in a piece of paper given to me by somebody else, but my hope is in God alone. That's what I want to विश्वास करने वाले हाथ उठा के मेरे साथ बोलिए, हमारी आशा तू ही है प्रभु और हमें तेरा इंतजार है, जोर से बोलिए। If you believe it this morning, let us raise our hands and say, my hope is only in you, Lord, this morning. मेरी आशा तू ही है परमेश्वर, जोर से बोलिए। My hope is you alone, oh Jesus. अब आप गले से नहीं, दिल से बोलिए, मेरी आशा तू ही है परमेश्वर। Not just with your voice, but Say it with your heart, my hope is in you alone, God. और आज सुबह हम आपको कहना चाहते हैं, इंतजार करने वाले धैर्य पूर्वक और साथ ही साथ उम्मीद से भरे हुए रहना जरूरी है उन्हें। And so this morning we also want to say that it's not just enough to patiently wait, but it is also important to have that expectation while you wait. Psalm 123, 123 भजन दूसरी आयत देखिए, क्या लिखा वहां पर। Psalm 123 verse 2, जैसे दास की आंखें अपने स्वामी की ओर और जैसी दासी की आंखें अपने स्वामिनी की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी, उस समय तक जब तक कि वह हम पर अनुग्रह ना करे। As the eyes of slaves look to the hand of their master, as the eyes of a female slave look to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God till He shows us His mercy. ये एक उदाहरण है, ये किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी कार्य को नीचा दिखाने के लिए नहीं, उदाहरण के लिए कह रहे हैं। आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं, आप किसी घर के अंदर हैं और वहां पर सेवा करने वाले लोग हैं, वे इंतजार कर रहे हैं। आप कुछ एक होटल का ही उदाहरण ले लेते हैं, चलिए आप किसी होटल पर गए, आप बैठे हुए और साइड में बैरे खड़े हैं आपका आदेश लेने के लिए, उनकी मन मर्जी कर जो उनको अच्छा लगे आपके टेबल पर फेंक कर जाने के लिए नहीं, लेकिन आपसे आदेश लेने के लिए वे खड़े, आप बोलिए और आप जो बोलोगे हम लेकर आने के लिए तैयार हैं। And so this is not to demean anybody or not to put anybody down. This is just an example. For example, when you go to a restaurant and a waiter comes along and he is waiting, the person serving there is waiting for your order. He cannot just come and put anything on the table and go away, but he is waiting for your order so that he can bring it and serve it to you. आप किसी होटल में गए और कोई आया ही नहीं और कोई पूछा ही नहीं और जो पूछा जो भी पूछा वाला ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये, हाँ जल्दी बोलो मेरे को जाना है, मेरा टाइम हो गया, जल्दी बोलो मेरा मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, जल्दी करो। आप कितनी बार और जाएंगे वहां पर? इसके विपरीत कुछ नहीं है,
महंगा प्याज ही मिले तो भी अगर बात करने के लिए, पूछने के लिए, आपसे सवाल जवाब लेने के लिए, आपसे पूछकर आपकी इच्छाओं को पूर्ति के लिए अगर वो खड़ा रहे, ये उदाहरण है यहाँ पर। हम खुदा के लिए, खुदा हमारे लिए नहीं, उल्टा मत सोचना, हम खुदा के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि खुदा हमें कुछ कहे और हम उसका आदेश को पूरा कर सकें। Just as the person waits for us when we are in a restaurant to listen to our order and to bring it to us, to serve it to us, similarly, God is expecting us that we will wait upon Him so that we listen to Him and we see what He has to say, hear what He has to say and fulfill what He wants us to do. Too many times we are in a rush when we come into the house of God. कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं जब परमेश्वर के भवन में आते हैं। Too many times we have our agendas full, our minds full of things we need done in church or in the meeting. कई बार हम भवन में आते हैं तब भी योजना बनाकर आते हैं कि मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये मेरा काम होना चाहिए और उसके बाद ही मैं जाऊंगा। Our prayer this year is in 2020 we would come into the house of God not to give orders but to receive orders from the Most High. आज हमारी प्रार्थना 2020 में यह है कि हम भवन में हमारे आदेश को लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन हम परमेश्वर के आदेश को सुनेंगे और उसे हमारे जीवन में पूरा करने का प्रयास समझ में आ रहा है तो हाथ तक उठाकर जोर से हालेलुया बोलिए। If you understand this, let us raise hands and give thanks. एक और बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तीसरा एक और आयाम है इस इंतजार करने के अंदर। But there is a third dimension to the aspect of waiting this morning. और ये और भी कठिन है। And it is even more difficult. It is okay to wait patiently and it is okay to wait expectantly that I can do. और हाँ ठीक है, धीरज के साथ इंतजार कर सकता हूँ, उम्मीद के साथ भी इंतजार कर सकता हूँ कि मेरा काम हो जाएगा, ये तो ठीक है। But in this godly divine waiting, let me suggest you have to cease, you have to stop yourself from every human effort, every human effort. लेकिन एक जो बात है कि जब आप ये दिव्य बात जो रहे हैं, परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, तो इसमें सारे मानुषिक प्रयासों को आपको रोक देना है। बहुत मुश्किल है ये। It's a very difficult thing to do. आप समझना, आप खुदा की हुजूरी में आ रहे हैं, आपको खुदा की जरूरत, मदद करने की जरूरत नहीं है, उससे आपके एक हाथ की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। आपको ये सीखना है कैसे मैं प्रभु के भवन में आऊं और अपने कामों को मैं विश्राम दूं ताकि खुदा के काम मेरे अंदर से शुरू हो सके। दिस मॉर्निंग वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न दैट व्हेन वी कम एंड वी वेट अपॉन द लॉर्ड, ही डजंट नीड अ हेल्पिंग हैंड फ्रॉम अस, बट ही इज रेडी फॉर अस, ही कैन डू एनीथिंग फॉर अस, बट वी हैव टू कम टू द हाउस ऑफ गॉड एंड वी हैव टू sees every human activity and effort to allow God's work to happen. It's a very tender, very sensitive subject and you have to understand this with the right spirit as I say the next few sentences. और ये बहुत ही नाजुक एक बात है, लेकिन जो आगे कुछ बातें मैं कहूंगा उसको सही रीति से हमको समझना है। You see, in the Old Testament there's the story where the cart was carrying the presence of God and the oxen stumbled, it says there. और पुराने नियम में एक कहानी इस प्रकार लिखी है कि बैलगाड़ी के अंदर एक वाचा के संदूक को लेके जाया जा रहा था और वहां पर अचानक वहां लिखा है बैलों ने ठोकर खाई। एंड द मोमेंट दे स्टंबल्ड उज़ा स्ट्रेच्ड हिज हैंड टू स्टॉप देम फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द कार्ट। और जैसे ही इन बैलों ने ठोकर खाई वहां पर उज़ा ने अपने हाथ को बढ़ाया ताकि वाचा का संदूक अपनी जगह से हिले ना या सड़क पर ना गिर जाए। अरे बैल चल रहे थे, बैल के ऊपर ये संदूक था और संदूक गिरने वाला था, इसने हाथ बढ़ाकर उसको रोका ताकि गिरे नहीं। So these bullocks were carrying the ark of the covenant and when they stumbled it was about to fall and so Uzzah tried to support it so that it does not fall to the ground. और आगे बाइबल में लिखा है जिसने हाथ बढ़ाकर उसको संभालने का कोशिश किया वो मर गया, ऐसा लिखा है। And Bible says the person who tried to support the ark of the covenant, it says he died on उसने spot. क्या गलत किया? What wrong did he do? आप पूछ सकते हैं उसने क्या गलत किया? You can ask what wrong did he do? उसने ऐसा कौन सा, वो तो अच्छा ही तो कर रहा था। He was trying to do the right thing, it says. ध्यान से सुनिए इस बात को और समझने का, पवित्र आत्मा को समझाने का मौका आपको दीजिए। And so pay careful attention to what I'm about to say and allow the Holy Spirit to help you understand. खुदा के काम को आपकी मदद नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो खुदा को अनुमति दीजिए कि वो आपके द्वारा उसकी इच्छा को पूरी कर सके। लेट मी टेल यू, गॉड्स वर्क डजंट नीड अस, डजंट रिक्वायर अस बाय कंपल्शन,
But if God wants, allow yourself to be used by God in His plan and in His purpose. ध्यान से सुनना, एक बार और ध्यान से. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सेवा नहीं करना है, आपको गीत नहीं गाना या प्रभु के लिए कुछ नहीं करना. आपको ये समझना है, ये सारी चीजें मेरी ताकत, मेरे आइडिया, मेरे को आइडिया आया, इसलिए अब मैं आइडिया से प्रभु के लिए कुछ करूंगा. आपका आइडिया डीप फ्राई हो जाएगा. खुदा का आइडिया ही खुदा के भवन में और आपके और मेरे जीवन में चलने पाए, ये हम कह रहे हैं. This morning, please understand this carefully. I'm not saying that you should not be involved in service or involved in serving God or the church. That's not what I'm saying. But we should not have our own ideas when we come to the house of God, when we come in the presence of God. It's not my idea or my plan or my great thing that I'm trying to get it done here, but it is the plan of God in which He uses us to fulfill His purposes. Aur wahan ye chamak raha hai to yahan bhi chamkega, yahan bhi launch karo. Oh, I tried that idea there and it was very successful there, so let me try this here as well. God's work is not cut, copy, paste. It is not control C, control V. It is unique to every people, unique to every location. परमेश्वर का काम सब जगह कॉपी पेस्ट से नहीं होता है. एक जगह चला तो वहां से उठाकर दूसरी जगह परमेश्वर नहीं डालता है, लेकिन परमेश्वर अलग अलग लोगों के हिसाब से, जगहों के हिसाब से, अपने अंदाज में परमेश्वर कार्य करता है. समझ में नहीं आ रहा है तो हाथ उठाइए. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस प्लीज रेज योर हैंड. बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तो हाथ उठाइए. If you understand this, raise your hands and so, give praise. So what do? I just lays around, I just fold my hands and just say, let God do what He wants to do. I don't have any part to play. It's okay, He will take care of His own business. So mujhe kya karna hai, aap puchhenge, kya main aaram se baitha rahun kursi par, haath pe haath dhare, kyunki Parmeshwar ko jab karna hoga tab karega, jab nahi karna hoga nahi karega, mujhe isme kya karna hai. Ye isi ke to vipreet apan bol rahe hain, hum uske aadesh ka intezar kar rahe hain. Khuda bol aur tere das log teri ichha ko poore karne ke liye. इस उदयपुर की मंडली में कुछ लोग तैयार हैं. बोल यहोवा, तेरा दास सुन रहा है. We are speaking exactly against that attitude. What we are saying is actually wait for the command of God, wait for the purposes of God, wait for God to tell you what He wants to be done, and then do that. That is what waiting upon God looks like. एक मिनट बाकी है और संडे स्कूल टीचर्स को जाना पड़ेगा, और मुझे एक बात और कहनी है, उसके बाद ही आप जाएं, ऐसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं. For the Sunday school teachers go, there is one more thing I want to tell you. आप सुनिए इस बात को. ये जो स्ट्राइविंग है, ये जो एफर्ट्स है, ये खुदा ही आपको और मेरे को सिखा सकता है क्या एफर्ट है, क्या नहीं करना है, कब भरोसा करना है, कब नहीं, क्या ये सारी बातें प्रभु के चरणों पर ही सीखना है. लेकिन एक उदाहरण के लिए इतना कहना चाहता हूं, सबसे अच्छा तरीका है एफर्ट रोकने का, अपने आप को जानबूझकर प्रभु के चरणों पर बैठा देना और बोलना, मैं अब प्रभु के चरणों पर बैठूंगा जब तक वो मुझसे बात नहीं करेगा. So this balance of striving to do things and waiting upon God is very difficult to achieve, and it may seem very complicated to us, but the easiest way, let me give an example, is to just sit in the presence of God. Yeah. And allow God to speak to you and to work through you, and when we wait, that is the right thing at most of the time. It's good to fast. It's good to forsake something that you like so that you can do something what God likes. Aur kabhi kabhi upvas karna, kuch baaton ko chhod dena aur parmeshwar ki upasthiti mein baith jana acha hai, taki parmeshwar aapko bataye ki wo aapse kya karwana chahta hai. Aapka effort, aapka daudna, bhagna, jugad lagana, tincture riding lagana, bandaid lagane ka ministry chhod kar ek bar prabhu ke charno par baith ke bolo, prabhu jo hoga hoga, lekin main tere charno par baith rahi hu, mere se aap baat karo, mujhe ek jawab aapke haath se chahiye. Sometimes it is just good to stop all this running around and rushing to do things and to do all the adjustment to make things work somehow, but just wait in the presence of God and allow God to speak to you so that you know what's the right thing. So you wait with patience. तो आप धीरज के साथ इंतजार you कर wait रहे हैं. With expectation. आप उम्मीद के साथ इंतजार कर you रहे wait हैं. Without striving, you wait और minus आप striving. बिना मनुष्य के परिश्रम के आप इंतजार कर रहे हैं. And then lastly, and then the teachers ginko, you wait prayerfully. और आखिरी बात जो ये है, साथ ही साथ आप प्रार्थना के साथ आप इंतजार अरे कर रहे हम इंतजार कर रहे हैं, हम क्या करें, क्या करें? When you last, when we are waiting, what should we do? Bore हो गए, बस बैठे हैं, बैठे, बैठे, बैठे. We are bored waiting because we are just sitting here all day and doing. कोई meeting में आया ही नहीं तो मैं bore हो गया तो मैं भी चला गया. And nobody came to the meeting, so I was bored, so I also left. कोई आता ही नहीं इसलिए मैं नहीं जाता हूँ. No one comes, so I also don't go. आपको मालूम है हर meeting में कोई आए ना आए,
यहोवा उतर कर अपने लोगों से मिलने के लिए आता है. Let me tell you, यही काफी है बंदों को उठकर उससे मिलने जाने के. Let me tell you this morning, in every meeting, if anybody comes or somebody does not come, the presence of God is there. He comes to meet His people, and that is an enough reason for us to go and be in His presence. Hallelujah! बोल सकते जोर से. Hallelujah! प्रेरित 1:14 में वही बात लिखी है. 1:14 में लिखा है, और वे एक मन होकर प्रार्थना में समय बिताने लगे. And that's the same thing that we read in the book of Acts, chapter 1, verse 14, where it says that they were together, joined together constantly in and prayer. And this all continued with one accord in prayer and supplication. The men, the mother of Jesus, and the brothers, everybody together, hanging around, praying, expectantly, praying. Without striving, praying for the will of the Father, for the promise of the Father to descend upon His. और यह 14वीं आयत में ये लिखा है कि वे सब स्त्री और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे, निरंतर, लगातार, बिना रुके, बिना किसी मानुषिक प्रयास के या कार्यक्रम के, वो लगातार प्रार्थना में बने रहे, ऐसा लिखा है. संडे स्कूल के हमारे बच्चे और टीचर्स जा सकते हैं. ताली बजाकर उनके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं. आप खुदा का इंतजार कर रहे हैं, अगली पीढ़ी को आप तैयार कर रहे हैं. अगर आपके बच्चे स्कूल में और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, आप इन बच्चों के साथ उन्हें भेजिए. क्रमबद्ध तरीके से क्लासेस के अंदर प्रभु के वचन की शिक्षा इनको दी जाती है, उसमें इनको आपके बच्चों को जरूर जोड़िएगा. खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष दे. लौट कर आते हैं. सो वी वेट पेशेंटली. तो हम धीरज के साथ इंतजार कर रहे हैं. वी वेट विद एक्सपेक्टेशन. हम उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे हैं. व्हेन विल इट हैपन. कब होगा? How will it happen? कैसे होगा? Who will be involved? और कौन कौन मेरा साथ देगा उसको करने में? No answer. कोई जवाब नहीं. Only one request. सिर्फ एक ही आपके पास एक जवाब आया है. Just wait. इंतजार करो. Prayerfully wait. प्रार्थना के साथ इंतजार करो. In 2020, this is our longing that we want to wait on God for His next move in this city, in this generation. We want to wait on God. We will wait on God. And God is looking for that active community who will wait on Him. और 2020 में हमारा समर्पण यही है, हमारा कार्य यही है, हमारा उद्देश्य यही है कि हम परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर के चलन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे एक समाज को, ऐसे एक झुंड को ढूंढ रहा है जो उसका एक कार्य का, उसकी आवाज का, उसके संदेश का इंतजार कर रहे हैं. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. इन द वीक आई मेट अ फ्यू पीपल हु केम एंड टोल्ड मी, वन ऑफ देम टोल्ड मी, ही इज अ ब्रदर, एंड ही सेड, आई डोंट नो, आई वांट टू क्राई, आई जस्ट वांट टू क्राई, आई डोंट नो what's happening with me. और इस पिछले हफ्ते कई सारी ऐसी बातें हुई जिससे मुझे काफी कुछ जानने को मिला. एक भाई ने आकर मुझसे इस प्रकार कहा कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ रो दूं, सिर्फ रोना चाहूं, बस ऐसा ही मुझे लग रहा है, मुझे और क्या समझ में नहीं आ रहा है. Somebody, they didn't know this was the text for this Sunday, but they came and said, I don't know, I want to wait for God, I want to wait for God. और किसी एक दूसरे व्यक्ति ने आकर मुझसे इस प्रकार कहा, उनको नहीं मालूम था कि आज का संदेश ये है, उन्होंने आकर कहा, मैं सिर्फ परमेश्वर का इंतजार करना चाहता हूँ. कैसे इंतजार करूं, वो पूछने लगे. He asked me, how can I wait for God? Another sister came and said, I don't know that I have this burden. I don't know what to do with this burden. Or another sister, एक दूसरी बहन ने आकर मुझसे कहा कि मेरे पास ये बोझ है. क्या बोझ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बोझ मेरे दिल में है. I feel this is a supernatural collection of people whom God is weaving together, tapping into their hearts and drawing them into His presence and saying, I'm longing to spend time with you. It's not the other way around. I would rather say God is longing to spend time. He wants us to wait on Him. मैं मानता हूँ ये एक दिव्य अलौकिक बात है, जहाँ पर परमेश्वर कुछ लोगों के दिल में हलन चलन कर रहा है, उनको एक साथ जोड़ रहा है, ताकि वे परमेश्वर की उपस्थिति में आए, और परमेश्वर इंतजार कर रहा है उनके साथ समय बिताने के लिए. यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जो कह रहे हैं उपवास करने की इच्छा हो रही है, लेकिन हो नहीं रहा, लेकिन इच्छा हो रही है. अगर ये इच्छा भी हो रही ना आपकी, आपको दुआ में बैठने की इच्छा हो रही है, बोझ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ कर,
करूं कुछ करूं प्रभु के लिए, ऐसी एक तड़पन एक तलब आपके अंदर हो रही है। खुदा अपने लोगों को अपने करीब बुला रहा है, अपने पास बैठने के लिए बुला रहा है और वो आने वाली महिमा को दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। If you have never fasted in your life, but there is a feeling, there is an interest, there is a burden, you feel that I have to fast and I have to pray and I don't know what to do, let me tell you, this is God pulling you towards himself so that you can be in a community along with a group of people and spend time in God's presence. Yahan par aise log bhi hain, pavitra atma dikha raha hai, har niwala muh mein dalne se pehle aapko lag raha hai dalu ki nahi dalu ya upvas karu kya karu mujhe samajh mein nahi aa raha hai, aapko samajhne ki zarurat nahi hai, ye kalam aapko aaj bol raha hai khuda ke charno par baithne ke liye ek aamantran aaj subah prabhu aapko bol de raha hai. And this morning God is telling me there are some people, oh, before they eat anything they feel, oh, should I eat this, oh, should I fast in the presence of God, what should I do, should I spend time in God's presence? Let me tell you, this is God speaking to your heart and inviting you to spend time in his presence. Sab kuch samajhne ka intezar mat karna, aaj khuda se khade hokar apne sthanon par kehna shuru kariye, prabhu mujhe tera intezar hai, mujhe tera intezar hai, mujhe teri baat johna sikha de, kyunki jab main baat johunga jaise vachan mein likha hai pavitra atma mujh par aayega, aur do adhyay ki ek ayat mein likha hai ve sab ke sab pavitra atma se bhar gaye, anya anya bhasha se bolne lage, aur ek 8 mein likha hai parmeshwar ki gawahi jagah jagah jaakar dene lage. And we read here, you don't have to wait for things to be clear. When you say I am not waiting, that things will, I will understand everything, or I will, it will become clear and then only I will go to the presence of God. No, but you are waiting upon the God, and when you wait upon God, it's written in chapter 1 they were waiting. In chapter 2 it says when they were waiting for the Holy Spirit, they received the power of the Holy Spirit and they started speaking in tongues. And in 2 verse 8 it says that they became a testimony in front of thousands of people. This living Jesus is inviting his living church this morning not to be running after the voices of the world and of the wicked one. The Jesus, resurrected Jesus, through his Holy Spirit is inviting us, come and wait on me, come and wait on me, because they that wait on the Lord shall renew their strength. और इसलिए आज वो जीवित यीशु वो पवित्र आत्मा के जरिए आपको आमंत्रित कर रहा है, आपको बुला रहा है उसकी उपस्थिति में कि आप आकर बैठे इंतजार करें, क्योंकि वचन में लिखा है वे जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे. आप बोल रहे होंगे मेरी छुट्टियां खत्म हो गई, छुट्टियों के इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जैसे भी है आज खुदा से बोलिए, प्रभु मुझे तेरा इंतजार है, मुझे ठहरे रहना सिखा दे, मुझे बाट जोहना सिखा दे प्रभु. You may be saying my holidays are over, you don't have to wait for the holidays to spend time in God's presence, but you just go to God and say, God, teach me to wait upon you this morning. इससे ज्यादा मैं बोलकर प्रभु को, ओ, आपको मैं सिखाना नहीं चाहता, आप बुद्धिमान लोग हैं, आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, वचन का प्रत्युत्तर देना शुरू करिए. This morning I don't want to speak more to teach you because you have already understood the message. But the power of the Holy Spirit is with you, and so respond to the word of God this morning. Use your hands as you wait. और जैसे जैसे आप इंतजार कर रहे हैं अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए. आप परमेश्वर का इंतजार हम सब कर रहे हैं. मुझे सिखा परमेश्वर इंतजार करना. टीच मी टू लिसन टू योर हार्ट बीट. ओ तेरे दिल की धड़कन सुनने के लिए मुझे तू सिखा. मेक मी अ वेसल, मेक मी अ पीपल ऑफ योर प्रेजेंस ओ गॉड. मुझे तेरे उपस्थिति के योग्य, ओ तेरी उपस्थिति के लोग तू हमें बना दे परमेश्वर. Teach me to sing a song unto you, O God. Oh, ek geet gaana tere liye hame to sikha. Come on, lift your voice and sing to the Lord. God, apni awaaz utha kar aaj parmeshwar ki upasthiti mein us geet ko chadhaye. Jab tak Yehova na kahe, uski aur mere kaan lage rahenge. Until the Lord speaks, my ears will be listening to what he has to say. Uski awaaz ki aur main sunta rahunga. Oh, I will keep listening. I will wait patiently until he speaks. Come on, engage and connect.
connect to the deep presence of Jesus this morning. Oh, Yeshu Masih ki us gehri upasthiti ke saath aap jud jaye, usme aap shamil ho jaye. Vessel, make me an offering. Make me, you want me to be. I came here with nothing. I came, na na na. Jesus, bring new wine out of me. Oh. You want me to be. I came here with nothing. Jesus, bring new wine out of me. केवल भेंट लेकर नहीं प्रभु, मैं भेंट बनकर आज सुबह आती हूँ, आता हूँ प्रभु. I just do not want to receive the gifts, but I want to become a gift in your presence, O God. Make me a vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you've given me. Jesus, bring new wine. Come on. Worship has just begun for your information. आपकी जानकारी के लिए कह दूं, आराधना भी शुरू ही हुई है. The king is among his people. आज राजा अपने लोगों के बीच में है. The Lord is among his people. Oh, वो प्रभु अपने लोगों के बीच में उतर कर आया है. The lover is among his loved ones. वो प्रेमी आज अपने प्रियजनों के बीच में उतर कर आया है. Mending hearts, mending lives, mending situations. वो लोगों को जोड़ रहा है, दिलों को जोड़ रहा है, हालातों को सुधार रहा है. अपनी टूटी हुई पेंसिल को सुधारने के लिए नहीं, यीशु को ढूंढिए, वो चीजें अपने आप जुड़ जाएगी, अपने आप सही हो जाएगी. आज यीशु से बोलिए, मुझे तेरी करीबी की जरूरत है. Don't look after to repair those broken situations and circumstances, but just seek Jesus. Those circumstances will be restored. Wait by itself. I will wait. Karo. On you, O God. परमेश्वर तेरा इंतजार हम करना चाहते हैं. Oh, I will wait on you, O God. प्रभु तेरा इंतजार हम करना चाहते हैं. मेरी आशा तेरी ही ओर लगी हुई है. My hope is in you, Jesus. Speak the word. Speak the word. Speak the word. Speak your word. Speak your word. हमसे बात कर प्रभु. तेरी एक आवाज काफी है मेरे जीवन के लिए. Your one word is enough for my life, O Lord. तेरा एक शब्द मेरे लिए काफी है इस जीवन के लिए. Your one word is enough.
enough for my life, oh Jesus. Ek vaani mere liye kaafi hai. Hallelujah. One voice is enough for my life this morning. Come on, hath ko uthaiye, hath ko uthaiye. Aankhe band rakhiye. Prabhu kuch naya karne par hai. Let us raise our hands this morning because God is going to do something new today. Come on, apne hath ko uthaiye, hath ko uthaiye. Let us raise our hands because God is doing something new. Aankhe band rakhiye aur uska intezar kariye. Keep our eyes closed because God is doing something new. ताली बजाकर जोरदार प्रभु को धन्यवाद दीजिए. इससे भी अच्छी तालियां बजा सकते हैं मुझे मालूम है. कब होगा ये पूछने के लिए नहीं, लेकिन तेरा हमें इंतजार है. We wait on you, oh God. Hold the hand of the person standing next to you. And this morning we want to declare as a church, we will not move ahead of what God wants to do. Neither would we lag behind. पीछे भी नहीं रहेंगे और आगे भी नहीं जाएंगे, लेकिन खुदा की आवाज पर हम चलते रहेंगे. मेरे साथ साथ बोलिए, प्यारे प्रभु यीशु, आज मंडली मिलकर ये ऐलान करती है कि हमें तेरा इंतजार है. हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि आप आवाज नहीं देंगे, हमें मार्गदर्शन नहीं देंगे. हम ठहरे रहेंगे जब तक कि पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ हमारे जीवनों पर न आ जाए, और हम पीछे भी नहीं रहेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे. हमें आपका इंतजार है. वी वेट ऑन यू गॉड. जोर से बोलिए, वी वेट ऑन यू गॉड, एंड वी वेट फॉर यू ओ गॉड. Speak the word. And as a church we declare, say this with me, as a church we declare, we will hear the voice of God. We will move in the seasons of God. And nothing will stop us because we are waiting on God. In Jesus' name. Zordar taali bajake prabhu ko dhanyawad dijiye aaj subah. Amen. स्थानों पर आप बैठ सकते हैं. प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे. दिस इज द टाइम टू गिव टू द लॉर्ड. परमेश्वर को देने का है, और हम मिलकर प्रभु को आनंद के साथ जैसे हम हमेशा देते हैं प्रभु को हम देंगे. अगर आप चेक्स लिख रहे हैं आरपीसी ट्रस्ट के नाम से दे सकते हैं. आपके लिफाफों में अगर आप ऑनलाइन डालना चाहते हैं उसमें बैंक डिटेल्स आपको एनवेलप के अंदर है उसमें आप डाल सकते हैं, जैसे भी है. और अगर आपके हाथ में नहीं है
कोई दबाव नहीं, आनंद से आप बैठिए, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। वी आर सो डिलाइटेड दैट ब्रदर जॉनसन एंड हिज सन जोशुआ एंड अंकल आल्सो हियर फ्रॉम डैलस, वी वेलकम यू इन जीसस नेम, यीशु के नाम से हम स्वागत करना चाहते हैं। वुड यू प्लीज स्टैंड अप, वी आल्सो रिकॉग्नाइज यू, विल्सन नोवा साहब के बड़े ब्रदर हैं, एक बार आप खड़े होंगे, ताली बजाकर आपका हम स्वागत करना चाहते हैं। वेलकम वेलकम सर, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जोशुआ कम एंड थैंक द लॉर्ड What has he has done in your life? पिछले दिनों में जोशुआ के लिए प्रभु ने अद्भुत काम किए, वो आकर संक्षिप्त में बताएंगे और उसके बाद हम गीत गाकर अनाउंसमेंट सुनेंगे। लेकिन वी जस्ट आर सो ग्रेटफुल टू ईच एंड फॉर द लॉर्ड, टू द लॉर्ड फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जोशुआ कम एंड थैंक द लॉर्ड। यस, प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक और बार इस मातृ सभा में आप सभी के साथ कुछ समय के बाद में परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर ने मौका